हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, अगर आपके विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 के अंदर इनपुट नॉट सपोर्ट एरर कुछ ऐसा आ रहा है, तो आप ये प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ मेथड, कुछ तरीके जानेंगे जिनका यूज करने से जो आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है इनपुट नॉट सपोर्ट का, यहाँ पर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, आपका जो विंडोज 10 है या फिर विंडोज 11 है, उसके सर्च के ऊपर आपको जाना है और यहाँ पर सर्च पर आपको टाइप करना है RUN, ओके, और इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर इस सर्च बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है MS config। तो गाइज आपके सामने यहाँ पर सिस्टम कॉन्फिग्रेशन का ये विंडो आ जाएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर बूट का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर गाइज आपको सेफ बूट, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। रिस्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, एक बार आपका जो सिस्टम है रिस्टार्ट हो जाएगा। लॉगिन कर लेना है आपको, आपका यहाँ पर सेफ मोड में आपका विंडो आ जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है जो आपका सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, रन बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको टाइप करना है कंट्रोल, CONTROL, और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जो ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर लार्ज आइकन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का, ठीक है, यहाँ पर ये वाले सिस्टम पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर डिस्प्ले का, डिस्प्ले पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सिस्टम, जो आपका डिस्प्ले है उसका जो साइज है 1024:768, जो आपका सपोर्ट करता है आपका सिस्टम। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ये वाला साइज, ओके, जो आपका यहाँ पर साइज दिखा रहा है, सेम एज इट इज आपको रखना है, साइज याद रखना है। इसको बंद कर देंगे विंडो को और वापस से रन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है MS config वापस से और ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर बूट वाले ऑप्शन पर आ जाना है, जो ये सेफ बूट है इसको अनचेक कर दीजिए और ये वाला ऑप्शन आपको चेक कर देना है बेस वीडियो का, अप्लाई ओके और रिस्टार्ट कर लेना है आपका सिस्टम, लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट बटन पर जाकर रन पर जाइए, कंट्रोल टाइप कीजिए यहाँ पर और ओके बटन पर कर दीजिए क्लिक। वापस से जाना है आपको सिस्टम के अंदर, यहाँ पर गाइज आपको सिस्टम वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए ऑप्शन पर और यहाँ पर देखिए जो आपका सिस्टम का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं आता ये, तो आप हाथ से भी यहाँ पर मैनुअली भी आप यहाँ पर सेट कर लीजिए ये, या फिर ऊपर वाला 1280, या फिर आप डिफॉल्ट रहने दीजिए ये वाला, जो कि क्योंकि हम लोगों ने सेफ मोड में जाकर हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया था। इसको बस क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए इसको भी और चेक कीजिए कि जो आपको अभी प्रॉब्लम आ रहा था इनपुट एरर जो आपको आ रहा था, वो अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो गाइज, आई होप कि आपका यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक हो गया होगा। अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो गया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।